हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड फ्राई में। आज की हमारी रेसिपी है एकदम सिंपल, क्विक एंड इजी नारियल के लड्डू। इनको बनाना बहुत ही आसान होता है और आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको फॉलो करके आप बना सकेंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल, जो बाहर मार्केट में नारियल के लड्डू मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही लड्डू और घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रेसिपी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, इससे हमारी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो नारियल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने ले ली है एक कढ़ाई, इसको रखा है हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसमें अब हम ऐड कर दे रहे हैं 2 छोटे चम्मच देसी घी और इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 कप नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ मेजरिंग कप से नापा है बुरादा। अगर आप कोई भी घर की कटोरी ले रहे हैं तो 3 कटोरी नारियल का बुरादा ले लें और वज़न से ये लगभग 300 ग्राम के करीब है, बट ये घर पे किसी भी कटोरी से आप इजीली नाप सकते हैं, किसी भी कटोरी को आप यूज़ कर सकते हैं। उसी की क्वांटिटी से आप दूध और चीनी का प्रपोर्शन यूज़ करें जो कि हम आगे इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे जिससे कि घी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी नारियल में। घी हमें इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि नारियल के बुरादे में ऑलरेडी ऑयल होता है थोड़ा बहुत, तो इसमें बहुत ज़्यादा घी ना यूज़ करें। ये देखिए हल्का सा गोल्डन सा हो गया है, अब हमारा जो नारियल है वो काफ़ी भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 कप के करीब दूध। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो 1.5 कटोरी आप इसमें दूध डाल दें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से अब्सॉर्ब होने तक चलाते रहें। इस स्टेज पे आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, हाई पे नहीं पकाएं इसको। तो ये देखिए नारियल ने मिल्क को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है, देखिए पूरी तरह से सूख चुका है ये मिक्सचर। और हाँ, एक चीज़ और, इसको लगातार चलाते रहें वरना अगर नारियल कढ़ाई में लग जाएगा तो उसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा, इसलिए इसको लगातार ही चलाते रहें। और वैसे भी ये इंस्टेंट रेसिपी है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको बनने में। अभी अच्छे से सूख चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। और अगर आपने कटोरी से मेजरमेंट लिया है तो 1 कटोरी चीनी आप इसमें डाल दें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम को लो पे ही रखें अभी। और अब फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है जिससे चीनी थोड़ी जल्दी पिघलेगी और कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमें इस मिक्सचर को। तो ये देखिए चीनी घुलना शुरू हो गई है, इसको इसी तरह से चलाते रहें आप। इससे क्या होगा, नारियल का जो बुरादा है वो बहुत ही अच्छे से चीनी के साथ पक जाएगा। तो ये देखिए नारियल का बुरादा पकना स्टार्ट हो गया है चीनी के साथ। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ करें, और अगर आपने कटोरी से मेजरमेंट लिया है तो भाई 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दें आप। इसे बहुत ही अच्छा खोए जैसा टेस्ट आ जाता है इस लड्डू में। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा गीला लग रहा है क्योंकि कुछ चीनी की क्वालिटी जो होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो उस केस में आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा दूध के साथ पका लें जिस तरह से हमने पहले पकाया था, और तब उसके बाद इस मिक्सचर में उसे ऐड कर दें। और इस तरह का आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे आपको दिख रही है। तो यहाँ मुझे इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये कढ़ाई की साइड्स जो है ये छोड़ने लग गया है, तो इसका मतलब हमारा जो लड्डू का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको बस 1 मिनट के लिए और चलाऊँगी। ये देखिए नारियल का बुरादा बिल्कुल भी अलग अलग नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, चीनी के साथ पक चुका है बहुत ही अच्छे से। तो हमारा मिक्सचर जो है लड्डू का बनके रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो अभी भी थोड़ा सा गुनगुना है और इसी स्टेज पर हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने मिक्सचर अपने हथेली पर ले लिया है, उसको इस तरह से प्रेस करके और मैं राउंड शेप
दे रही हूँ इसे, ये देखिए इस तरह से प्रेस करते रहें, इससे लड्डू इजीली बंध जाएंगे। और इस तरह से हाथ में लड्डू को घुमाने से इसकी जो शेप, इसकी जो आउटलाइन है, आई मीन आउटर सरफेस है, वो बहुत ही चिकनी बनेगी। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा लड्डू बन के तैयार है, हर तरफ से पूरी अच्छी तरह से चिकना है ये। और ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ मैं थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा लेके इसके ऊपर इस तरह से रोल कर दे रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी है बुरादा वो झाड़ दें। इससे ये लड्डू बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल, बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा और बिल्कुल हलवाई स्टाइल नारियल लड्डू बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हाथ में प्रेस जरूर करें, इससे लड्डू अच्छे से बंध जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें चिकनाई काफ़ी ज़्यादा है, घी हमने बहुत ही कम डाला था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी अच्छी से चिकनाई है क्योंकि नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है। और घी डालना इसलिए ज़रूरी है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है इन लड्डुओं में। और अब इस लड्डू के ऊपर भी थोड़ी सी नारियल के बुरादे को हम कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक और लड्डू बनके तैयार है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो फिर इन लड्डुओं को आप किसी भी व्रत, पूजा, फंक्शन या फिर जब भी आपका कुछ भी मीठा खाने का मन हो उस समय बना के ट्राई करें और हमें भी बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।